घर परिवार को नज़र लगना, व्यक्ति को नज़र लगना या बच्चे को नज़र लगना आज के समय में ये एक आम बात है। और आज हम ऐसे ही कुछ छोटे छोटे आसान से उपायों के बारे में बात करेंगे जिससे आप इन सभी नज़रों का निवारण कर सकते हैं, इन नज़रों को आप ख़त्म कर सकते हैं। अगर व्यक्ति के घर परिवार को नज़र लग गई हो तो आए दिन घर परिवार में कलेश होते रहते हैं। घर परिवार में किसी न किसी व्यक्ति को कोई ना कोई रोग सताता है। रोग सताने के साथ ही घर परिवार में नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव भी बढ़ने लगता है। घर परिवार को नज़र लग गई हो तो उसकी नज़र को उतारने के लिए एक पान की पत्ती ले और उस पत्ते में 7 गुलाब की पंखड़ियों को लपेट कर अपने इष्ट देव का ध्यान करते हुए उसे अपने मंदिर में जाकर रख दें। इस उपाय से आपके घर परिवार की नज़र उतर जाएगी, क्योंकि जो व्यक्ति के इष्ट देव होते हैं वो उसके घर परिवार की रक्षा करते हैं, उसके घर परिवार में नकारात्मक एनर्जी को प्रवेश नहीं करने देते। अब अगर किसी व्यक्ति को नज़र लग गई हो तो व्यक्ति को नज़र लगने के कारण उसे घबराहट होती रहती है, उसको बेचैनी सी बढ़ने लगती है और उसके सिर में भी दर्द होने लगता है। हर क्षेत्र में उसे असफलता का सामना करना पड़ता है। व्यक्ति के मन में नकारात्मक विचार रहते हैं तो व्यक्ति की नज़र को उतारने के लिए व्यक्ति के ऊपर से लाल मिर्चों को 7 बार उल्टे क्रम में फेर कर उसे जलती हुई आग में जला दें। इससे व्यक्ति के ऊपर से नज़र का प्रभाव खत्म हो जाएगा। अब अगर किसी बच्चे को यानी कि छोटे शिशु को नज़र लग गई हो तो उस नज़र के कारण बच्चा रोता रहता है, वह दूध नहीं पीता। और बच्चा अगर बीमार भी रहता है तो उसके ऊपर से भी 7 मिर्चों को 9, 11 या फिर 21 बार वार कर आग में डाल देने से भी बच्चे की नज़र उतर जाती है। लेकिन ध्यान रखें कि यह मिर्चें डंठल वाली ही होनी चाहिए, बिना डंठल की मिर्चें ना लें। और अगर व्यक्ति हो या बच्चा हो, दोनों में से किसी को भी नज़र लग गई हो तो उसके लिए सबसे अच्छा उपाय यह भी है कि शनिवार के दिन हनुमान जी के मंदिर में जाकर उनके कंधे पर से सिंदूर को लेकर अपने बच्चे या फिर जो नज़र पीड़ित व्यक्ति है उसके माथे पर उस सिंदूर को लगा दें। इससे भी नज़र दोष खत्म हो जाएगा। अक्सर क्या होता है कि व्यक्ति का व्यापार तो बहुत ही अच्छा चल रहा होता है, लेकिन अचानक से किसी व्यक्ति की नज़र लगने के कारण उसका व्यापार आए दिन घटने लगता है, जिसे कहते हैं कि इसके व्यापार को नज़र लग गई है। तो व्यापार और काम धंधे की नज़र उतारने के लिए शनिवार के दिन नींबू और मिर्च की माला बना लें और इसके लिए आप काले और मोटे रंग के धागे का इस्तेमाल करें। इसे दुकान के बाहर लटका दें, इससे बुरी नज़र अंदर प्रवेश नहीं कर पाएगी। यह टोटका आप घर के बाहर भी कर सकते हैं, इसे हर शनिवार बदलते रहें। इसके अलावा दुकान की नज़र उतारने के लिए एक और उपाय भी है। थोड़ा सा फिटकरी लेकर जिस दुकान पर नज़र लगी है उस पर 31 बार उतारें, फिर किसी चौराहे पर जाकर उसे उत्तर दिशा में फेंक दें और बिना पीछे देखे लौट आएं। जब आप इस दुकान के टोटके को फेंकने जाएं तो अपने मुंह से कुछ भी ना बोलें। लेकिन अगर व्यक्ति को या फिर बच्चे को बार बार नज़र लग जाती है तो इसके लिए आप भैरव बाबा के मंदिर में जाकर काला धागा ले आए और उस काले धागे को व्यक्ति के गले में या फिर हाथ में बांध दें। तो यह तो थे कुछ ऐसे आसान से उपाय जिसका प्रयोग करके आप किसी भी प्रकार की नज़र को नष्ट कर सकते हैं। इसी के साथ ही ऐसी और वीडियोस जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहें। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।